चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर रिजर्व। हमने पहले भी टाइगर रिजर्व एक दो बार देख रखे हैं, तो आज हम टाइगर रिजर्व करेंगे। पहला आता है आपका आप काजीरंगा। काजीरंगा तो आपको पता ही है कहाँ पे है। कुछ आइडिया है काजीरंगा कहाँ पे है? असम में आसाम के अंदर है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आसाम इन मिकिर, जो मैंने आपको रेंज बताई थी मिकिर और रिंगा हिल्स के बीच में। तो मिकिर याद रखो, ये रिगमा मत रखो याद। नेशनल पार्क है ये, और ये कहाँ पे आता है? आपको नागौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बस इतना याद रखो कहाँ पे आता है। आसाम के अंदर है काजीरंगा। फिर आता है आपका नामीरी। नामीरी कहाँ पे आता है? नामीरी भी ये आसाम के अंदर ही आता है। ये भी लोकेटेड नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ईस्टर्न हिमालयास में, आपके सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम की जो है। तेजपुर, आज जहाँ प्रियंका गांधी की मीटिंग थी ना, तेजपुर में वो पत्ते तोड़ रही है बागवान से, तो तेजपुर में आज मीटिंग थी, वहाँ पे ये आता है। शेयर द बाउंड्री बिटवीन, बाउंड्री किससे मिलाता है? बाउंड्री मिलाता है आपका पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, पखुई पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलता है। तो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं ना कहीं आसाम से और नीचे जाती होगी, तो नीचे टच करती होगी आप नागालैंड से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी होती है। फिर आता है नामदफा। नामदफा जो आता है आपका लोहित रिवर बिटवीन भूरे, ये कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका म्यांमार और इंडिया बॉर्डर पे पड़ेगा, और अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका नामदफा। देखो यहाँ पे ये वाला, और मैंने यहाँ का आपको एक पास बताया था, किसी को याद होगा यहाँ पे मैंने एक पास बताया था, कमेंट में बताना। मैंने यहाँ पे एक आपको पास बताया था, यहाँ पे बिल्कुल एक पास है, जो ट्राई जंक्शन है चाइना म्यांमार और इसका, याद आए तो बताना, ठीक है ना? तो ये आपका बमला कौन सा? पास। हाँ दमला पास। तो यहाँ पे दमला पास है, ठीक है ना? और तो नाम दफा यहीं पे पड़ता है। उसके बाद में लोहित और भूरी दिवेहंग जो बताया था, जो ट्रिब्यूटीज हैं आपकी, किसकी ट्रिब्यूटीज है? ये ट्रिब्यूटीज है आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटीज है। लेफ्ट है राइट है ये आपको पता ही है। भूरी दिहेंग और लोहित, ये कौन सी ट्रिब्यूटीज है? ऐसे दिहेंग करके वो निकल जाती है, तो इधर से आके मिलती है। कौन सी होंगी ये? ये होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज आपकी। फिर आता है पखुई। पखुई मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से और कहीं ना कहीं आसाम के अंदर भी आता है, आसाम के अंदर भी आता है पखुई, क्योंकि एक्सटेंशन पार्ट किसका था मैंने बताया था आपको, इसका नामीरी का, ये असम में आता है। तो पखुई आ गया आपका, पखुई ये हैबिटेट से, ये इसमें कौन से? नामीरी टाइगर रिजर्व के अंदर है, पखुई के अंदर अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है आपको नागार्जुना सागर, सिरचिलम, जो हमने कल भी पढ़ा था, ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व में भी है और ये इसमें भी आता है। ये कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कल मैंने आपको पूछा था ना सिरचिलम किस लिए फेमस है, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है, इसलिए फेमस है। नागार्जुना नेशनल पार्क और आपका सिरचिलम सेंचुरी, तो ये याद रखना। गुंटूर, आपका प्रकाशम, कुरनूल, इन सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, कृष्णा रिवर के आसपास से निकलता है। आपका नल्ला मलाई हिल्स जो मैंने बताया, नल्ला मल्ला हिलाई, पलकोंडा, वेलकोंडा, तो नल्ला मलाई हिल्स से जो है उनके आसपास सराउंडिंग एरिया में रहता है। तो आपको नागार्जुन और सिरचिलम याद रखना है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। फिर आता है इकलौता वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपके आपके चंपारण, मतलब वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है, बस इकलौता नेशनल पार्क बिहार के पास यही है। ये आपका ये पड़ता है बूढ़ी गंडक, ऊपर वाली जो ट्रिब्यूटीज हैं गंडक की, उसे बूढ़ी गंडक में पड़ता है, और ये कहीं टच करता है आपका नेपाल बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से। देखो ये रहा आपका वाल्मीकि, कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर आता है इंद्रावती। इंद्रावती आपको नाम से याद होना चाहिए, इंद्रावती आपने रिवर भी पढ़ी होगी। ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, नेशनल पार्क भी है, और रेयर है जो वाइल्ड बफेलो मिलती हैं, जो शेर को भी पटक देती हैं, तो वाइल्ड बफेलो इंद्रावती में मिलती हैं। ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कैसे हो गए, कावेरी रिवर से इनसे कन्फ्यूज जाएगी, पर आपको याद रखना है ये कहाँ पर मिलेगा। ये आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर, ये रहा उड़ीसा के अंदर इंद्रावती। उसके बाद आता है आपका उद्यंती। उद्यंती ये भी कहाँ है? भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है। उद्यंती रिवर यहाँ पे, उद्यंती रिवर है यहाँ पे, उसी के नाम पे रखा गया है ये रहा। तो बस इतना याद रखो कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ बफेलो, तो भैया छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि भैया वहाँ पर क्या ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है, जंगली भैंसे ज़्यादा है। तो बस याद रखो दोनों उसी पे, रेयर पे बिलोंग करते हैं। फिर आता है आपका आपका सीता नदी। सीता नदी ये कहाँ? ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर तीन पढ़ लिया, और नदी के नाम पे है। सीता नदी इज ए स्मॉल ट्रिब्यूटीज ऑफ महानदी। महानदी की स्मॉल ट्रिब्यूटीज है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नोन फॉर ग्रीन, मतलब कि ग्रीन फ्लोरा और रिच इन डाइवर्स फोना, ठीक है? तो ये आ रहा है सीता नदी कहाँ है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा। फिर आता है पालमाऊ। पालमाऊ कहाँ है? झारखंड, वेस्ट झारखंड में पड़ता है, और पालमाऊ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे रखा गया है। बेल्टा नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज आपका बिल्टा नेशनल पार्क, जो इसका दूसरा नाम है इसका पालमाऊ का। तो ये रहा आपका पालमाऊ, बिल्कुल बिहार ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, तो
तो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका पालमो नेशनल पार्क। नेक्स्ट चलते हैं आपका आपका बंदीपुर और नागरा होली नेशनल पार्क। बंदीपुर नागरा होली नेशनल पार्क ये पड़ता है आपका, किसे पता है, कर्नाटक रीजन मैसूर में पड़ता है आपका। वर्ल्ड हेरिटेज कंसिडर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर है। महाराजा जो थे मैसूर के, पर्सनली मतलब वहाँ पे गेम को खेलते थे पहले, शिकार विकार करते। तो बंदीपुर नागरा होली नेशनल पार्क ये आपका पड़ेगा कर्नाटक के अंदर। ये रहा बंदीपुर अलग है और नागरा होली अलग है, ऊपर नीचे है, देखो ये रहा। नीचे आता है आपका, आपका नीचे आता है भद्रा। भद्रा कहाँ पे पड़ता है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट का, शिवमोगा कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये रहा कर्नाटक के अंदर पड़ता है। फ्लोरा फौना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि वे टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो आपको भद्रा याद रखना है। फिर आता है आपका दंदीली। दंदीली कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ेगा, कर्नाटक में ही पड़ेगा और उत्तराखंड आपका कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर पड़ेगा, नियर महाराष्ट्र बॉर्डर से टच है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जो ये उत्तर जो ये है ना आपके कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट, डिस्प्यूट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मराठी स्पीकिंग रहते हैं। कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये एरिया थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला पड़ता है कि महाराष्ट्र में, अरे उसमें पड़ता है, यहाँ पे कुछ मराठी स्पीकिंग वाले रहते हैं, वो रीज़न है थोड़ा ये, तो थोड़ा याद रखना आपका दंदीली कहाँ पे पड़ेगा, ये भी कर्नाटक के अंदर पड़ेगा। फिर आता है अंची। अंची नेशनल पार्क एक पड़ेगा, ये भी उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ गोवा के आसपास पड़ेगा। इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, तो बस इतना याद रखो। ये रहा साइड में ही है, दोनों साइड में आपके दंदीली और अंची दोनों पास पास में, यहीं पर लिखा, ये लिखा अंची, यहीं पर है दोनों। ये रहे, ये कहाँ पर पड़ेगा आपका, उत्तर कन्नाडा जो डिस्ट्रिक्ट है, कनाडा जो डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद कहाँ पड़ेगा, बॉर्डरिंग विद स्टेट ऑफ गोवा, गोवा के अंदर पड़ेगा। पेरियार तो आपको मोस्ट फेमस है, पेरियार लेक भी है, पेरियार रिवर भी है, पेरियार आपका सब कुछ है, तो नेशनल पार्क भी पेरियार होगा, ये भी इसका नाम है, तो बस पेरियार आपको याद रखना है। फिर आता है आपका, फिर आता है आपका बंधरव घर कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इज इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट डेंसिटी तो मतलब कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, इसी के अंदर रहते हैं, डेंसिटी ये है। और लार्जेस्ट कौन सा था आपका, नागार्जुन श्रीशैलम, हाँ तो ये वाला श्रीशैलम था। ये आता है बंधव घर करके आता है मध्य प्रदेश में। डेंसिटी मतलब कि ज्यादातर पॉपुलेशन यहीं पे रहती है, डेंसिटी मतलब कम एरिया में ज्यादा क्या रहते हैं आपके, यहाँ पर टाइगर्स रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में तो यहीं टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा अगर आप देखोगे तो ये यहीं पर पड़ता है। फिर आता है आपका बोरी सतपुरा। बोरी सतपुरा ये भी सब मध्य प्रदेश के स्टार्ट होने वाला है। सतपुरा आ गया ना, सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, माधव हिल्स के अंदर है, आपको याद रखना है। तो ये भी कहाँ पर है, कान्हा भी कहाँ का है, जंगल बुक रिटन बाय द आपका रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी इंस्पिरेशन होकर, तो ये भी कहाँ पर रखना, माइकल हिल्स मध्य प्रदेश में, कान्हा भी। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वाले याद रखो। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये भी याद रखो। फिर पन्ना आता है, पन्ना एक गोल्ड माइन मतलब माइंस के लिए भी है, तो पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखो। ये भी क्या है मतलब कि टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, तो ये सारे मध्य प्रदेश के स्थान। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क मतलब ये क्या है आपका, संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क गुरु आपके घरेसीदास नेशनल पार्क भी इसे बोला जाता है, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा आपका, छत्तीसगढ़ के अंदर ये पड़ेगा आपका, ये रहा छत्तीसगढ़ के अंदर, ये रहा यहाँ पे। लोकेशन लगाने की नहीं आती, इतनी पास पास नहीं आएगी, ऐसे आएगी दुधवा यहाँ दे देंगे, फिर आपको नीचे वाला दे देंगे, पेरियार दे देंगे, बहुत दूर दूर की लगाने के लिए आती है, इतनी पास की लगाने के लिए नहीं आएगी, इतनी पास की लगाने के लिए नहीं आएगी। तो लोकेशन आपको थोड़े याद होंगे किस स्टेट में, तो आप लगा सकते हो, एक स्टेट में आसपास वाले नहीं पूछेगा। फिर आता है गुरु आपके घसीदास नेशनल पार्क भी, इसे बोलते हैं किसको, संजय नेशनल पार्क को, और संजय गांधी नेशनल पार्क भी है शायद, एक सेंचुरी है शायद, संजय दुबरी, ये भी कहाँ पे, ये भी आपकी मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो संजय नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश की सिंध डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और पोजिशन वेंटू छत्तीसगढ़ के आसपास भी जाता है, वेयर इसे गुरु, जैसे ये लोकेशन है, ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो मध्य प्रदेश के लोग तो इसे संजय नेशनल पार्क बोलते हैं, और जब ये छत्तीसगढ़ में एंटर कहीं से छू जाता है तो गुरु घसीदास नेशनल पार्क इसे कहा जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। फिर आता है संजय दुबरी। दुबरी कहाँ, ये भी कहाँ, रिवर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, रिवर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है। मेलघाट नेशनल पार्क, ये आपकी अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें है मेलघाट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की, इसके अंदर है आपका मेलघाट करके नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इसमें आता है। फिर आता है आपका पींच करके आता है, ये नेशनल पार्क कहाँ, ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, नियर द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, आपका पींच, ये पड़ गया देखो पींच, ये रहा, और ये रहा आपका मेलघाट, ये रहा मेलघाट, ये जो थोड़ा ऊपर पहुंच गया, थोड़ा नीचे होता तो यहाँ पे होता कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, याद रखो बॉर्डरिंग स्टेट में मेलघाट और पिंच आपका। फिर आता है आपका
पिंची भी पड़ेगा, जो आप पड़ेगा यहाँ पे आप देखोगे टोडा मतलब कि पिंच जो पड़ेगा ये आपका वो भंडारा, भंडारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, उसके आसपास पड़ेगा। फिर आता है आपका तादोबा और अंधेरी, अंधेरी नाम से अंधेरी आ गई, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, अंधेरी एक जगह ही पड़ती है मुंबई के आसपास, तो आप याद रखना आपकी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, टोडा नेशनल पार्क और अंधेरी कंटिन्यूस टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आपका तोदाबा जो है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की याद रखो, यूपीएससी के बिल्कुल याद मत रखो ये, ठीक है जो महाराष्ट्र पीसीएस में, तो ये वाला याद रखो, ये टोडाबा जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र है, फॉर्मड इन 1955 में कुछ चीज़ें भी आई थी, सिटीजनशिप एक्ट आया था ये वो सब, तो ऐसे चिलिंग कर लिया करो इन चीज़ों को, सिटीजनशिप एक्ट आया था। उसके बाद आता है आपका आता है धम्पा, धम्पा कहाँ पड़ता है, ये भी आपका कालोबाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम में आ जाएंगे, आप मिजोरम में आ जाएंगे, तो इसके लिए हमें मैप बदलना पड़ेगा आई थिंक सो। हाँ तो ये आ गया आपके धम्पा, ये मिजोरम के अंदर पड़ता है, धम्पा मिजोरम के अंदर पड़ता है। अब मिजोरम में कौन से हिल्स पड़ती हैं, मिजो हिल्स, और भी एक नाम मैंने बताया था उनका, हिंट दे रहा हूँ और भी दे रहा हूँ, बैरन वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और भी दे रहा हूँ, या कारा कुछ था ना, और भी दे रहा हूँ, पता नहीं, तो मैं उस ब्लू माउंटेन करके कुछ पढ़ा था मैं, ब्लू हिल्स आई थिंक सो मिजोरम में ही है ना वो, तो ठीक है ना। सराउंडिंग बाय द आपके लुस ग्री ग्रासी लैंड है, उसमें टाइगर रिजर्व, दम्पा आपको याद रखना है, ये कहाँ पड़ता है आपका, मिजोरम में पड़ता है। फिर सतकोसिया ये करके आता है, उड़ीसा के अंदर आ जाता है आपको, सतकोसिया, सतकोसिया गोर्ज होता है, मतलब सेंचुरी है, महानदी के ऊपर गोर्ज है, मतलब गोर्ज क्या मतलब वही काट के निकल रही है महानदी, तो इसको क्या पड़ता है सतकोसिया कहाँ पे, ये आपका उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। फिर रणथंभौर, रणथंभौर तो राजीव गांधी पार्क भी बोलता है, रीनेम कर दिया गया ऐसे राजीव गांधी पार्क, तो रणथंभौर आप कहाँ जाएंगे, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की, रणथंभौर ये आपका रणथंभौर यहाँ पे पड़ता है। फिर सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क, सारिका नेशनल पार्क, ये भी आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर पड़ता है, अलवर है ये, अलवर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। फिर आपका आता है कालाखड़, कालाखड़ ये कहाँ पे पड़ता है, कालाखड़ आप नीचे आ जाएंगे, नीचे जाएगा कालाखड़ बिल्कुल तमिलनाडु में अंदर पहुँचेंगे, तो मधुरमलाई तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, कार्डमोम हिल्स जो मैंने बताई थी, नीलगिरी, नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमोम हिल्स और नागरा होले करके जो थी, नागरा कॉयल जो थी, तो उसमें उसमें नीचे सबसे नीचे जाएंगे कालाखड़ करके पड़ता है। मधुरमलाई भी आपका नीलगिरी हिल्स में पड़ता है, साइट ऑफ नीलगिरी हिल्स में पड़ता है, और ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु के अंदर, मतलब तमिलनाडु के ऊपर वाले हिस्से हैं तमिलनाडु के। टूरिस्ट प्लेस है, एजुकेशन है, नेचर है, लवर थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये रहता है मधुर आपका मधुमलाई हिल्स में। फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स, ये अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है आपका, ये भी कहाँ पड़ता है, नीलगिरी के आसपास ही पड़ता है, तो ये भी अन्नामलाई आपका उसी में पड़ता है तमिलनाडु। फिर दुधवा कहाँ पड़ता है, इकलौता है ये यूपी का टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है, लोकेटेड इन द तराई रीजन, लोकेटेड इन द तराई रीजन, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, देखो ये रहा आपका दुधवा। फिर ये याद रखो तो रख लेना, पर ये हमें यूपी वाले को याद रखना है, आपका कटरीनिया घाट करके पड़ता है, दुधवा रीजन का ईस्टर्न पार्ट है, ये एक्स्ट्रा इन्होंने कर दी ईस्टर्न पार्ट, इधर वाला क्या रीजन को ये ऐसे इन्होंने लोकेट कर दिया, पर एक्सटेंशन ऑफ टाइगर रिजर्व है, तो आप याद रखो तो रख लेना, वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। फिर कॉर्बेट जिम, कॉर्बेट नेशनल फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो याद रखना है ये कॉर्बेट एक जिम, जो कॉर्बेट थे ना अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे, वो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे और वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिन्होंने किसने वीरप्पन का नाम सुना होगा, वीरप्पन का डाकू था, उसे पकड़ने मदद की थी इन्होंने, तो इन्होंने बुक भी लिखी थी वीरप्पन के ऊपर, वो बिजनौर से बिलोंग करता था वीरप्पन, इसलिए मुझे याद है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल कुछ एक्सटेंस पार्ट मेरे सिटी के अंदर तक आता है, तो यहाँ पे पड़ता है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे, नैनीताल में मैं आपको बता दूँ, आप रामनगर से स्टार्ट हो जाता है जिम कॉर्बेट, तो ये पड़ता है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, ये उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है बुक्सा, बुक्सा नाम से ही पता लग रहा होगा, ये कहाँ पे पड़ेगा, भूटान वाले साइड पड़ता है बुक्सा, वेस्ट बंगाल और भूटान वाले साइड पड़ता है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये रहा आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, जहाँ पे चिकन नेक बोलते हैं, देखो इस एरिया को क्या बोलते हैं, चिकन नेक क्यों बोलते हैं, ये चिकन की नेक जैसा है, देखो ये चिकन की नेक दिख रही है ना ये तो चिकन नेक बोलते हैं ऐसे, तो अगर ये क्या करते कट करते किसी वजह से, चाइना यहाँ पे बहुत एग्रेशन करते रहता है, जलेपला पास के आसपास इधर एग्रेशन दिखाता है, ऐसे कट करते तो नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा अलग हो जाएगा,
अगर कोई वार हो जाए, यहाँ तक चाइना वाले आ जाए तो ये कट जाएगा पूरा रीजन। इधर बांग्लादेश है तो जाने नहीं देगा, तो इसलिए हम अल्टरनेटिव रूट देखते रहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्रैवल करने के लिए अल्टरनेटिव रूट हम ढूंढते रहते हैं। तो इसे चिकन नेक के ऊपर बिल्कुल बीच बीच बुक्सा पड़ता है, कुछ इसका पार्ट किस में आता है, इसका पार्ट भूटान के अंदर भी आता है। फिर सुंदरबन तो मोस्ट फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रॉयल बंगाल टाइगर है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है, सुंदरबन आपको पता ही है। फिर ये मैंने अमरकंटक, ये अंचुमर्क मैंने कल भी बताया था, अमरकंटक रीजन में पड़ते हैं आपका, एक कान्हा और अंचुमर्क कॉरिडोर है पूरा, एक कान्हा अंचुमर्क कान्हा नेशनल पार्क से और ये अचिंगमर्क जो आपके टाइगर रिजर्व दोनों को करते हैं। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अंचुमर्क अमरकंटक और अंचुमर्क बताए थे ना, जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है उसे अंचुमर्क करके बोल देंगे और इधर वाले रीजन को अमरकंटक बोल देंगे। याद रखना, रख लेना, बहुत सारे हो गए। फिर ये भी याद रखने का, बिलीगिरी रेंज जो है टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है, साउथ ईस्टर्न ऑफ कर्नाटक के अंदर है। फिर आपका कुदेरमुख टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, ये भी कर्नाटक के अंदर है। फिर आपको रतापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे हैं, कम से कम 50 है मेरे हिसाब से, कहीं ख़त्म हो जाते हैं पर और भी हैं। अभी 2008 में ये ऐड किया गया था, मतलब टाइगर रिजर्व प्रिंसिपल स्टेटस इसे कौन देता है, टाइगर रिजर्व के स्टेटस कौन देता है, कोई बॉडी का नाम बता? एनसीटीए क्या करती है, एनसीटीए मतलब है तो एनसीटीए के बहुत बड़ा रोल होता है टाइगर रिजर्व में, क्योंकि एक बार दे देते हैं क्योंकि रिकमेंडेशन कोई और भेजता है इसको। टाइगर रिजर्व की स्पेशल अथॉरिटी है जो वाइल्ड लाइफ में मतलब आपको देखते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की आती है, पर एनसीटीए का रोल बहुत बड़ा है। एनसीटीए एक तरह से पूरी बॉडी हो जाएगी, इसको डिक्रीज करना है, इसके एरिया को बढ़ाना है, एरिए को आपको स्टेटस देना, रिकमेंडेशन किसी और की लगेगी पर एनसीटीए फॉर्मेटिंग बॉडी होती है, वही देखती है सब कुछ इनके बारे में एनसीटीए। तो रातापानी टाइगर रिजर्व, अभी कितने इंडिया में टाइगर रिजर्व वो हम एक बार देख लेते हैं। नेशनल टाइगर रिजर्व अभी इंडिया में 47 इन रो, तो मतलब बताया ना मैंने नियर अबाउट कितने हैं, मतलब 50 के आसपास है जो टाइगर रिजर्व इंडिया में है। मैं आपको बता देता हूँ सारे, जो 3 बच गए हैं क्योंकि इसमें कुछ कमी आया है। देखो ये रहा आप कितने हैं, 50 के आसपास टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर, इसमें लिखा है ठीक है ना। द 15 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, आउट ऑफ 53 आर रिजर्व। आपका मिजोरम में दंपा बताया था रिजर्व, और बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, झारखंड में आपका पलामू टाइगर रिजर्व, नो टाइगर लेफ्ट हैज उसमें टाइगर इन, नो टाइगर लेफ्ट ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर टाइगर कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ था, टाइगर सेंसिस हर 4 साल में होता है तो ठीक है ना, बड़े हैं इंडिया के अंदर ये आता है। टॉप परफॉर्मेंस किसने दी है वो आपको किसने दिए, मध्य प्रदेश ने, फिर कर्नाटक और उत्तराखंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। इंक्रीज़ कहाँ पे हुई पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में इंक्रीज़ हुई है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, वो भी जिम कॉर्बेट में। छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में डिक्लाइन हुए टाइगर रिजर्व इन कम्पेयर टू 2014 की जो सेंसेक्स है उससे कंपेयर करते हैं तो डिक्लाइन हुआ है छत्तीसगढ़ में और आपका कहाँ पे, मिजोरम में। मैं बताया ना मिजोरम में दंपा पे, वहाँ पे टाइगर ही नहीं बचे हैं, बॉक्सा में नहीं बचे हैं, झारखंड में पलमाउ जो टाइगर रिजर्व उसमें नहीं बचे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है, जो मैंने बताया था NTCA, इन्होंने स्टार्ट करा था, मतलब कि बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट। पावर कहाँ से मिलती है, टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी देखने के लिए, रिकमेंडेशन दी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 से मिलती है। टाइगर कंजर्वेशन अम्ब्रेला स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज है ये तो आपको पता ही है, IUCN की इंडेंजर स्पीसीज है। चैलेंज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये हम नहीं देखेंगे, हमारे जो देखने का काम है हम एक बार पूरी मैप पे निगाह डाल देते हैं। ये देखो अब इसमें सारे आ जाएंगे, राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा आपका, कॉर्बेट हमने पढ़ लिया, पीलीभीत और दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत आ गया और दुधवा आ गया, और फिर वाल्मीकि आ गया, बुक्सा आ गया, मानस आ गया, ऑरेंज आ गया, ऑरेंज जो करके है, फिर आपका कामलेंग आ गया, आपका पक्के टाइगर रिजर्व हो गया इधर अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व इधर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में इधर के साइड। फिर आपका नामीरी आ गया असम में, काजीरंगा असम में आ गया, नामदफा कहाँ है, ये आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। कामलेंग भी अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व भी इधर पे। असम में कौन कौन से हैं आपके, आपका नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ऑरेंग हो गया, और बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर है, और दंपा आपका कहाँ है, मिजोरम के अंदर है। इधर आ जाएंगे, अब इधर आ जाएंगे वेस्ट बंगाल के, आपको सुंदरबन पड़ता है। फिर इधर के साइड आ जाएंगे आपका पलमाऊ नेशनल पार्क, मैंने बताया था आपको पलमाऊ कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है।
फिर आपका उड़ीसा में सिंपली पॉल हो गया आपका, फिर आपका ये सतकोसिया, मैंने बताया सतकोसिया हो गया। तो ये आप एक बार पढ़ लेना कौन कौन से है। तो आपको ये बताना लास्ट फाइव कौन कौन से ऐड हुए हैं, लास्ट फाइव कौन कौन से ऐड हुए हैं, लास्ट फाइव कौन कौन से टाइगर रिजर्व ऐड हुए हैं। ये मैं आपको चाहो तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये वाली, वैसे आप खुद भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे टाइगर रिजर्व, लास्ट फाइव आपको बताना है कौन कौन से ऐड हुए हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक है, इसमें पांच ही दे रखे हैं, मतलब 41 ही दे रखे हैं, 50 अपडेशन में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 22, जो आता है आपका, आता है आपका अदर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। थोड़ा मैं आपको अंतर बताऊंगा, कल पढ़ा दूंगा ये एक बार, कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। वही अंतर होता है कि ट्रांजिशनल एरिया, बफर जोन, जो बफर जोन होता है ना, मतलब कोर एरिया होता है, मतलब सॉरी बफर नहीं, जो बीच का कोर एरिया था, वो मोस्टली नेशनल पार्क होता है। फिर आता है आपका, आपका आता है फिर आपका बफर जोन, उसके बाद आता है ट्रांजिशनल जोन, मतलब कि जो कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, ये मैं किसी दिन आपको बता दूंगा क्या होता है बफर एरिया, मतलब क्या हो सकता है। आप बस क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो मतलब कोर एरिया सॉरी, उसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हो और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। फिर आपका क्या होता है बफर जोन में, आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत मतलब कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो, फिर स्टडिंग कर सकते हो, फिर टूरिज्म हो सकता है, ट्रांजिशन लेवल ऑल सारी एक्टिविटी हो सकती है ऑलमोस्ट, तो आप थोड़ा ऐसे रहना। फिर आता है कोरिंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेट है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश की, इसमें काकीनाडा पोर्ट पड़ता है, कोरिंगा नेशनल पार्क। फिर आता है पखहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ भी, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है, जो वरेंगल सिटी है उसके अंदर पड़ती है, नेम बिल्ड बाय द पखहल लेक, पखहल लेक भी पड़ती है उसके नाम पर रखा गया है। फिर आती है आपकी पाबीतोरा, पाबीतोरा कहाँ, गुवाहाटी आसाम में पड़ती है, गुवाहाटी आसाम में पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने नाम भी सुना होगा पाबीतोरा, कई कई बार राइनासोर्स बनाए, राइनासोर प्रोटेक्टेड किए जाते हैं यहाँ पे, तो पाबीतोरा होगी। फिर आती है कंगीर घाटी नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ती है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, कंगीर घाटी, तो घाटी वाटी आप नाम सुनते हो तो आपको वो नक्सलाइट किया जाती है, उस घाटी में रहते हैं, उस घाटी में रहते हैं, तो बस्तर छत्तीसगढ़ थोड़ा ऐसे याद रखना। फिर आती है आपकी भगवान, आपका महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगी, ये कहाँ पे पड़ती है, गोवा के अंदर पड़ती है, पंजीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी मौलन नेशनल पार्क के नाम से, इसे दूसरा नाम सेंचुरी दिया है, मौलन नेशनल पार्क, मौलिम नेशनल पार्क। फिर आती है बोंडला नेशनल पार्क, ये भी गोवा के अंदर पड़ती है आपकी, बोंडला, बोंडला। फिर आती है सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे पड़ती है, डॉक्टर सलीम अली के नाम है ये कि वेस्टर्न टिप ऑफ, आप मांडोवी रिवर पे जाओगे ना, वहाँ पे आसपास पड़ती है आपकी, आयरलैंड और चारों। तो इसमें क्या बताया था, ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, बायोस्फीयर बायो बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब बीएस है ना, सलीम अली तो बर्ड सेंचुरी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और रिजर्व नहीं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, बीएस मतलब वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आते हैं गिर नेशनल पार्क, ये तो पता ही है, गिर नेशनल पार्क आपका काठीवाड़ा पेनिनसुला और गुजरात के अंदर पड़ता है, गिरनार जो डिस्ट्रिक्ट है, तो गिर नेशनल पार्क। उसके बाद लिटिल रन ऑफ कच्छ, नाम से ही पता लग गया आपको, फेमस फॉर ये जो गिर नेशनल पार्क है, एशियाटिक लॉयन इसमें रहते हैं, बंगाल वाले कहाँ पे रहते हैं, सुंदरबन के साइड रहते हैं, लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये भी कहाँ पे पड़ेगा, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता ही है लिटिल इधर की साइड ही पड़ेगा आपका, कच्छ वाले एरिया में। उसके बाद आता है आपका मैरीन नेशनल पार्क, ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट, मैरीन नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में पड़ेगा आपका, मैरीन नेशनल पार्क आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, तो ये आपका मैरीन नेशनल पार्क, ये रहा। फिर नाल सरोवर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री, तो इम्पोर्टेंट आपका मैरीन नेशनल पार्क, जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात, फर्स्ट मैरीन पार्क ऑफ द कंट्री है ये, 1982 में बताया गया था, 42 आइलैंड्स को मिला के एक तरह से बना है। फिर नाल सरोवर, नाल सरोवर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है, लोकेटेड ऑन साइड ऑफ द सेंचुरी, रामसर कन्वेंशन साइट है, प्रपोज एज ए प्रपोज है एज ए रामसर कन्वेंशन साइट। फिर आता है वनसदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात के अंदर अंबिका रिवर, ये रहा आपका वनसदा नेशनल पार्क, आपका वनसदा नेशनल पार्क। फिर आपका आते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ना रन ऑफ कच्छ में, मतलब कि वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ मतलब कि इसमें क्या होता है, जंगली गधे ऐस करके, मतलब उनकी है, कि ये भी कहाँ पे पड़ती है आपकी, रन ऑफ कच्छ में पड़ती है, ओनली होम टू वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कुछ कहा जाता है, कुछ कहा नहीं है पीछे, बहुत लंबी बाद में बताऊंगा कभी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ती है आपकी, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ओनली वाला, ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ में। फिर पड़ती है सुल्तानपुर नेशनल, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, नियर बाय दिल्ली में आता है सुल्तानपुर, देखो ये रहा सुल्तानपुर। उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो ग्रेट हिमालय आपको जाओ तो हिमालय जाना पड़ेगा, तो कुल्लू चले जाओगे आप, कुल्लू,
कुल्लू मनाला आप सुनते होगे, तो वहाँ पे पड़ता है आपका ग्रेट हिमालय, ना कि कोई इधर ईस्टर्न स्टेट में, ना फिर इसमें, तो वहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में। फिर आता है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क ये काफ़ी बड़ा कश्मीर वैली में पड़ेगा। सलीम अली मैंने एक आपको और बताया था, सलीम के नाम से एक और बताया था, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ तो सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो कन्फ्यूजन मत होना, ये वाला कहाँ पे पड़ता है, सिटी ऑफ फॉरेस्ट ऑफ नेशनल, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसे, तो सलीम अली ये रहा आपका ऊपर के साइड सलीम अली। उसके बाद आता है हिमिश एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हिमिश तो मैंने बताया था आपको, हिमिश लद्दाख रीजन में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास, हिमिश बताया था मैंने आपको, थोड़ा याद आ रहा था, हिमिश एल्टीट्यूड कहाँ पे पड़ता है, ये लद्दाख रीजन में पड़ता है। फिर आता है दम दलमा नेशनल पार्क, झारखंड में आ जाएंगे, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पड़ता है, जमशेदपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट है आपको, ये आ जाएगा दलमा, दलमा सेंचुरी, यानी दलमा सेंचुरी, ये हो गया आपके ये, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे हम, आ जाएंगे आपका आपका बनीर घाटा नेशनल पार्क, ये बटरफ्लाई के लिए बहुत फेमस है, कर्नाटक में पड़ता है बनीर घाटा, ठीक है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो वह यार कर्नाटक में गाना गया बनीर घाटा नेशनल। उसके बाद है डचीगम नेशनल पार्क, श्रीनगर में चला गया डचीगम नेशनल पार्क, आपको दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा आपका, इसमें सो ही नहीं हो रहा है, अच्छा वो नीचे चलेगा, रुक जाओ, ये रहा आपका डचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, ये आपका कहाँ पड़ते हैं, ये आपका पढ़ेंगे श्रीनगर, मतलब जम्मू कश्मीर रीजन में, मतलब यूनियन टेरेटरी में, किश्तवाड़ जो वो है डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, ये पढ़ेंगे। फिर आता है आपका आपका रंगन थीतु नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ऑफ कर्नाटक, मध्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक के अंदर, सॉरी मध्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक के अंदर पड़ता है आपका रंगन थीतु करके, ये थी थू करके पड़ता है, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। अब बोलोगे कैसे याद रखेंगे इतने सारे, एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है, एक दो बार आप थोड़ी कोशिश कर लेना, मैप दो चार बार जो मैंने आपको मैप शेयर किया है उसको एक दो बार देख लिया करो, बस निकलते बढ़ते। फिर इरविकुलम नेशनल पार्क, नीलगिरी थार इसमें फेमस है, प्रोटेक्ट करता है इरविकुलम, ये केरला के अंदर है, तो कुलम उलम ऐसे एक आइडिया बन जाता है। देखो मैं इदुकी की बताऊंगा, आप इदुकी बताना कहाँ हो सकता है, है तो केरला में हो सकता है, तो इदुकी केरला में हो सकता है या कर्नाटक में, दो ही आपके दिमाग में आएंगे, या तो केरला या कर्नाटक का, ठीक है ना, उदुपी उदुपी होता था वहाँ पे ना, तो ये केरला कर्नाटक में होता है, तो ऐसे थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं चीज़ों का, तो ये कहाँ पे है, केरला में पड़ता है। फिर नियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे पड़ती है, केरला में पड़ती है, अगस्था मलाई पीक इसमें है, अगस्था मलाई पीक इसके अंदर है, तो केरला के अंदर पड़ती है। फिर आपके टॉप स्लीप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब आपका आता है परम्बिकुलम, परम्बिकुलम ये कहाँ पे पड़ता है, कुलम उलम कहाँ पे आ जाएंगे, ये आप जाएंगे आपका तमिलनाडु में, क्या नाम, तमिलनाडु केरला, तो साउथ का एक आइडिया आपको लग जाता है कि कहाँ पे है। ऐसे ही करके एक दो बार पढ़ोगे परम्बिकुलम नेशनल पार्क, ये रहा देखो। अब आपको कैसे पढ़ना है मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे परम्बिकुलम आपने पढ़ा, आपने इसका मैप खोल के एक बार देखा, क्योंकि शुरू में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी होगी, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो और कम, थर्ड टाइम तो आपको नज़र से निकाल के चले जाना, आपको याद हो जाएगा। जैसे परम्बिकुलम खोला आपने मैप में, खोला आप जूम करोगे तो आपको वहाँ पे हिल रेंज भी दिखाई देगी, या तो कौन सी हो सकती है, या नीलगिरी हो सकती है, या फिर आपका अन्नामलाई हो सकती है, तो कुछ ना कुछ जरूर उसके टच में होगा। तो ये कहाँ पे पड़ता है, सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, तो ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ जाता है, साइलेंट वैली ये कहाँ पड़ता है, नीलगिरी में पड़ता है, केरला के अंदर है, कुंडलई हिल्स ऑफ नीलगिरी, तो साइलेंट वैली कहाँ पे है नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका केरला के अंदर है। साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1970 में अगेंस्ट द, मतलब हाई पावर प्लांट, मतलब कि वह हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बनाना था, तो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। फिर वायनाड, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट पे, ये भी केरला के अंदर है, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बोरी मध्य प्रदेश के अंदर है आपके, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतपुरा, उसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है, सतपुरा नेशनल पार्क के बॉर्डर से टच करती है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोजिल मतलब नेशनल पार्क है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, मांडले डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका फोजिल नेशनल पार्क। उसके बाद आता है माधव नेशनल पार्क, कोई भी आपका दोस्त हो माधव नेशनल पार्क, वो शिवपुरी में रहता है मध्य प्रदेश की, तो माधव जी कहाँ रहते हैं, शिवपुरी में रहते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है ना, तो ये हो गया। और बहुत सारे हैं, देखो कितने सारे हैं अभी, तो कहाँ पे ख़त्म हो गए, 38 अदर नेशनल पार्क यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, हिल्स 23। तो हम यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़े से बचे हैं, थोड़ी सी ऊपर हैं। उसके बाद आता है आपका वन विहार, वन विहार कहाँ पे, भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वन विहार, इसे मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं, मैंने जैसे मॉडर्न जूलॉजिकल वन विहार,
ये भी वहाँ पड़ता है। फिर आपका केबुल ले, ये भी लेम जाओ नेशनल पार्क आपको पता ही है, ये मणिपुर में पड़ता है, ठीक है ना। और इसे क्या बोला जाता है, आपका फोम डिस्क भी बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा हिलता विलता है ऐसे, वो एक तरह से है, रामसर कंजर्वेशन साइड में है। फिर आपका आपका आता है पवन, पवंग पुई आपका पड़ता है, पवंग पुई बीएम नेशनल पार्क करके पड़ता है, ब्लू माउंटेन जो मैंने आपको बताए थे, ब्लू माउंटेन बताया था ना, मिजोरम में क्लोज टू म्यांमार बॉर्डर, ब्लू माउंटेन। तो आपको कहाँ पे पड़ेगा ये, पड़ेगा आपका ये, पड़ेगा ये देखो, ये रहा पवंग पुई बीएम, ब्लू पवंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। तो ब्लू माउंटेन मैंने आपको बताए थे, अभी बताए थे। फिर आता है भीतरकनिका, भीतरकनिका तो उड़ीसा में पड़ता है, उसके नीचे भीतरकनिका आपका, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर गहीरमाठा उसके नीचे है, ये टर्टल्स के लिए फेमस जगह है दोनों। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ब्रह्मानी डिस्ट्रिक्ट, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके नीचे गहीरमाठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपकी ज्वाइंट ओलाइव टर्टल जो होते हैं उनके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये हेरिटेज साइट भी है। फिर आपका नंदन पड़ता है, नंदन कन्हा नेशनल पार्क, कनन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे पड़ता है, व्हाइट टाइगर के, नोन फॉर रेयर व्हाइट टाइगर इसमें, ये भी कहाँ, भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा के अंदर पड़ता है आपका नंदन कनन। तो नंदन कनन ऐसे वाइल्ड टाइगर मतलब व्हाइट टाइगर यहाँ पे मिलते हैं, तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी उड़ीसा के अंदर पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। फिर आता है डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ग्रेट इंडियन बूस्टर के लिए फेमस है, कहाँ पे पड़ेगा, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पड़ेगा, कौन सा आपका डेजर्ट नेशनल पार्क ये रहा। तो ये आपका हो गया कहाँ, ग्रेट इंडिया बूस्टर के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे, राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर भरतपुर और किलराडो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, भरतपुर तो आपको पता ही है, ये किलराडो बायो, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरी भी, और भरतपुर के आसपास के एरिया में पड़ता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी और राम कंजेंशन साइट भी आपको पता ही है। फिर आता है कैलीमिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे पड़ता है, कावेरी डेल्टा नगरीपट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, कैलीमिरी ये आ गया नीचे के साइड। फिर आता है आपका जो आता है गुइन डी नेशनल पार्क, क्या क्या नाम है कि चेन्नई के अंदर पड़ता है ये भी, ठीक है। फिर वेदांथालंगल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, आप पढ़ लेना, गुमती वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इसका। गुमती कहाँ पड़ता है, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, त्रिपुरा, क्योंकि हमने त्रिपुरा के अंदर एक ही आया देखो ये वाला, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कौन सा पड़ता है ये वाला। फिर राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, देहरादून पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ किसका बोला जाता है, उसका ही मतलब जो आपका कॉर्बेट का ही बोला जाता है, पर राजाजी नेशनल पार्क अलग हो गया, मोस्टली क्या इसमें एलिफेंट के लिए, चार एलिफेंट उन्होंने खुद ही छोड़ रखे हैं उसके अंदर, दिखा के लाओ उसमें जंगल सफारी करा के लाते हैं बस। वैली ऑफ फ्लोवर कहाँ पे पड़ता है ये नेशनल पार्क, कहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लोवर आपको नंदा देवी के आसपास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वैली ऑफ फ्लोवर। उसका बुक्सा नेशनल पार्क तो मैंने बता ही दिया, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, भूटान से भी इसके टच होता है बॉर्डर। फिर आपको जलधापरा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे पड़ता है आपको, ये भी इधर की साइड पड़ेगा, जल जो वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल चिकन नेक के आसपास दोनों। तो कौन कौन से, बुक्सा और आपके जलधापरा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, रिवर ऑफ तोरसा, ठीक है ना, वन हॉर्न डायनासोर्स के दोनों फेमस है। तो जलधापरा और बुक्सा कहाँ पे, चिकन नेक पे हैं दोनों, ये दोनों चिकन नेक पे हैं। एमजी आपको मरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान में आ जाएगा, अंडमान में आ जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमजी आपको, मेरिनी नेशनल पार्क। फिर बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ते हैं, पोर्ट ब्लेयर डिस्ट्रिक्ट है। पोर्ट ब्लेयर किसके अंदर आता है, पोर्ट ब्लेयर किसके अंदर आता था, साउथ अंडमान के अंदर आता है। उसके नीचे कौन से अंडमान आते हैं, ग्रेट अंडमान आते हैं, नहीं, लिटिल अंडमान आते हैं, ऐसे आते हैं नॉर्थ मिडिल साउथ और लिटिल। फिर उसके नीचे टेन चैनल, फिर निकोबर स्टार्ट हो जाता है, ग्रेट निकोबर सबसे नीचे, कार निकोबर है, फिर नॉर्थ निकोबर ऐसे है। फिर माउंट आपका हेरिटी कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है, ये भी अंडमान में पड़ता है। तो अंडमान के तो आपको याद ही रखने हैं, सारे याद ही रखने हैं अंडमान के आपके, थोड़े से बचे हैं, चलो ख़त्म कर देंगे। फिर आपका आपका आता है सतिया नंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। फिर सोना बेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो बस इनके नाम याद रखो कहाँ पे पड़ता है, सोना बेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, बोरवली ऐसे रखो। तो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, बोरवली तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। बोरवली ऐसी जगह है ना कोई, वहाँ पे बोरवली कौन सी जगह है वो। फिर आता है आपका बाल पक्काकरण करके नेशनल पार्क आता है, ये मेघालय के अंदर आता है। तो ये आता है मेघालय के अंदर। दूसरा एक मैंने बताया था आपको मेघालय के अंदर, कौन सा बताया था, नोक्रेक बताया था, कुछ चीज़ के लिए फेमस है वो, नोक्रेक।
फिर आपके बार्किंग डियर यहाँ पे गोल्डन कैप मिलती है, फिर इसमें आपके बेतला नेशनल पार्क ये भी झारखंड के अंदर आता है, फिर उसके अंदर आता है न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो वहाँ पे चाय ज़्यादा करनी है तो न्योरा वैली में जाएंगे, चाय ज़्यादा पैदा करेंगे, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, टी कॉफ़ी कहाँ की फेमस है? बाबा बुडन पहाड़ी कर्नाटक की फेमस है। और कौन सी कॉफ़ी है? अरेबिका, अरेबिका बहुत फेमस कॉफी है अरेबिका। कितनी वैरायटी होती है कॉफी की? इंडिया में, इंडिया में क्या सारी मिलती है? अपने पास आई थिंक तीन है। हाँ बिल्कुल, तीन या दो है, किसी ने पूछा था शायद ग्रुप में। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हुए हैं। अभी रिवीजन जब करेंगे एक दो बार और पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएंगे। और हमने इस बुक का मतलब हार्डली 100 पेजेस बचे हैं, लास्ट में तो इंडेक्स है 10-12 पेज का, 100-120 पेजेस बचे हैं। नियर इन फ्यूचर हम इस बुक को ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी, और 5-6 दिन 1-2 हफ्ते में इसे ख़त्म कर देंगे। तो आप समझ लो सबसे बड़ी बुक है ये मैपिंग की जो इंडिया के बारे में पढ़ाई जाती है। तो इसमें इतना कुछ है इस बुक के अंदर कि आप पढ़ सकते हो कि ये आपको चीज़ें कैसे याद होंगी, आपको क्या करना है, ब्लैंक मैपिंग लाने हैं और आपको क्या करना है, एक दो बार पढ़ के आप खुद निशान लगाने स्टार्ट करो। जब तक आपने ब्रेन से बात नहीं करोगे ना चीज़ें करने की, तो ब्रेन आपको नहीं करेगा, बूस्ट नहीं करेगा। ब्रेन कब बूस्ट करेगा? जब आप ब्रेन से ही कोशिश करोगे। क्या आपके दोस्त का नाम आप भूल सकते हो 20 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल? नहीं भूल सकते ना, क्यों? क्योंकि ब्रेन बोलता है इसका नाम ये है। अभी क्या कर रहे हो आप? रट रहे हो, ब्रेन को ज़बरदस्ती बोलने के लिए बोल रहे हो। अगर उसे ब्रेन से कुछ आंसर पूछोगे तभी चीज़ आपको याद होंगी। तो मैं रिकॉर्डिंग तो यहीं रोक देता हूँ।